अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ पाटिल भाई हैं, और पाटिल भाई का ताल्लुक जो है वो इंडिया में पुणे से है। पाटिल भाई ने आज मुझे ढूंढ के निकाला और मैसेज किया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मुझे कैसे ढूंढ के निकाला और क्यों ढूंढ के निकाला और क्या चाहते हैं मुझसे ये। जी पाटिल भाई, देखो क्या है ना, हम सोशल मीडिया पे हर चीज देखते हैं, हर चीज अपनाना चाहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि सही क्या गलत क्या, इसमें चक्कर में हम बहुत फंस जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, इसमें अच्छा क्या है। वो लोग खुद को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको करीबन डेढ़ दो साल से आपको मैं फॉलो करता हूँ। आपकी मैंने टोटल फिलोसॉफी पढ़ी, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आपकी एग्जैक्ट ट्राई क्या है। तो पहली बार मैं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी दांडिया सर के साथ आपकी एक वीडियो कॉल हुई थी लाइव, तभी मैंने आपको सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के ऊपर जो आपने बोला कि लोगों के साथ आज डेवलपमेंट होगा तब लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि आपने और एक बात कही थी कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जरूरी है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके या फिर मैं ऐसा हूँ कि ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा और मैंने अच्छी लगी कि मैं उसको थोड़ा समझने के लिए वक्त दिया, 6-7-8 महीने दिया कि वाकई ये बंदा सही है या सही बोलता है या फिर अपने कमिटेड पे वो उस पर एग्री है या फिर आज एक बोलता है कल एक बोलता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये पूरा रिसर्च करने के बाद मैं किसी को ऐसे नहीं फॉलो करता है। वो समझता हूँ उसकी स्ट्रेटजी क्या है, आखिर करना क्या चाहता है, उसका विजन क्या है, उसके बाद मैं उनको कैच करता हूँ, ये मेरा प्लान है। और वैसे आप मुझे मिले तो अभी भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे साथ बात करी जिसकी वजह से आपसे मुलाकात हुई। तो और पाकिस्तान के कितने लोग हैं आपके साथ कनेक्टेड, या आप कितनों को फॉलो करते हैं? और एक है जो कि आपसे ही मेरी आपसे म्यूचुअल फ्रेंड से मेरी दोस्ती हुई थी, वालिद है, वालिद, हाँ मुझे थोड़ा प्रोनाउंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वालिद ऐसा उनका कुछ नाम है। वो पंजाब से करते हैं, लाहौर के पास उनका गांव है, करीबन 20-22-25 किलोमीटर से है, वागा के पास है, और बहुत अच्छा है, कुछ बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारी बात हुई है और बहुत समझदार है। और मुझे देखो पहले से मैं ऐसा हूँ कि मुझे इस बात की 100% गारंटी है कि जित यहाँ भी लोग अच्छे हैं तो पाकिस्तान में होंगे, ईरान में होंगे, इसराइल में होंगे, पैलेस्टाइन में होंगे, हर जगह होंगे। बुराई है वहाँ अच्छाई भी, आपको अच्छाई ढूंढना है, बुराई ढूंढोगे तो बुराई आपको मिलेगी, और अच्छाई ढूंढ के अच्छाई लोगों को बांटनी है और उसका प्रोपोगंडा करना है। आप एक गलत चीजों का प्रोपोगंडा करोगे तो वही मिलेगा आपको, मतलब इससे कोई हल नहीं उपाय मुझे लगता है। तो सही चीजों को ढूंढो, सही चीजों को पकड़ो और उसके साथ चलो। मतलब ये नहीं कि मैंने इसको सुना ये किया, आपने खुद के लाइफ में क्या लिया, खुद ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं थोड़ा, मेरा जर्नी स्टार्ट होता है 2010-11 के स्टार्ट में कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल, मैं बहुत इंटरेस्ट था, मैं हर रिलीजन का पढ़ाई किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी की बात है, हर रिलीजन का मैंने पढ़ाई किया है। मैं नमाज पढ़ा हूँ, मैं हजरत निजामुद्दीन का दरगाह गया हूँ, मैं गरीब शरीफ नवाब का जो राजस्थान वाला है, अजमेर का, पुष्कर का दरगाह, वहाँ गया हूँ, हर चीज में समझने की कोशिश किया हूँ। जब तुम चीजें समझते हो एज ए हिंदू क्या है, एज ए मुस्लिम क्या है, तब आपको तकलीफ नहीं होती। आप चीज ना समझोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कई चीजों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले, आपको कमेंट करने से वो चीज समझनी चाहिए। आपको वो समझी, यदि आपको चीज समझी नहीं है और उसके ऊपर आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है वो गलत है। इससे जो निकलेगा, आगे जाके निकलेगा, वो सही नहीं निकलेगा। यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास सही ज्ञान है, तभी उसके ऊपर टिप्पणी करो या फिर मौन रहो तो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। इंटरेस्टिंग। तो आपका शुक्रिया, आपने ढूंढ के निकाला और लोगों से आप बात करते हैं।
लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि आप 3 दफ़ा विपाशना करने गए, तो ये आपको किसने बताया विपाशना के बारे में और आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, विपश्यना बहुत बड़ी चीज़ है, इससे मुझे काफ़ी बदलाव आया है मेरे पर्सनल लाइफ में। विपश्यना की जर्नी स्टार्ट होती है, मैं थोड़ा जब मेरा कॉलेज होने के बाद में ऐसे लोगों के साथ रहता था कि मैं बहुत एक टिपिकल फैमिली से बैकग्राउंड बिलोंग करता हूँ, जो थोड़ा वॉरियर टाइप का है, मराठा वगैरह जैसा वो है, और ये थोड़ा हिंदुज़म को बहुत बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं ये लोग, हिंदुज़म ऐसा वैसा बिल्कुल। और मेरे जो दोस्त थे हर कम्युनिटी के टाइप के थे, जब मैं पुणे में था तब की बात है कि ब्राह्मण था उसमें हर टाइप के लोग थे, मुस्लिम हर टाइप के लोग थे, और वो जो रिलीजन के ऊपर बात करते थे, हर चीज़ों के बात करते थे। और मैं एक जगह शिफ्ट हो गया था, वर्धा, आपको पता होगा वर्धा, जहाँ से गांधी जी की यात्रा चालू हुई थी, साबरमती छोड़ने के बाद गांधी जी वर्धा आए थे। वर्धा का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको कभी बताऊंगा उसके बारे में। तो वर्धा में गया था और वर्धा में हम ऐसे लोग जुड़े थे कि जो सोशल एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज करते हैं, और थोड़े से वो लेफ्टिस्ट लोग थे, मतलब लेफ्टिस्ट आप जानते हो, थोड़ा सा वो माओवाद वगैरह नहीं होता, कम्युनिस्ट वाले, कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट थे। मुझे ये कभी पता नहीं चला कि ये कम्युनिस्ट है, मुझे बहुत तकलीफ होती थी इन सारी चीजों से, और इतना तकलीफ हो गया, मैं 6 महीने में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया यार, मैं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, एक मैं रिलीजन वाला बंदा हूँ। ये स्टोरी है 2013-14 की, और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं कहाँ जाके फंस गया हूँ, ये मुझे क्या बोलना चाहते हैं, ये पूजा नहीं करते, ये पाठ नहीं करते, ये नहीं, थोड़ा मेरा बैकग्राउंड था, लेकिन मैं जिस जगह गया था तो वो कुछ मानते ही नहीं लोग, बिल्कुल अलग टाइप के थे, सोच अलग थी। तो मेरा जो दिमाग का कल्टीवेशन है, जो फीडिंग है, जो सीड बोया मुझे, मेरा उधर बोया मेरे दिमाग का। तो विपश्यना के जर्नी वहां से शुरू हुई कि मेरे ग्रुप की एक लड़की थी शुभदा पाटिल करके नाम, और मैं डिप्रेस था, उन्होंने देखा कि यार उसकी कंडीशन तो बहुत बुरी हुई है, ये बोल नहीं पा रहा है खुद से, मतलब ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने बोला कि यार तुम विपश्यना करो, और मुझे उन्होंने बताया ना कि विपश्यना क्या होती है। पहले एक मेरी दोस्त थी, उन्होंने भी मेरे को एक सजेस्ट किया कि यार तेरा कंफ्यूजन होता है, तो बात करने में थोड़ा सा गफला कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो बोले कि विपश्यना कर। मुझे पता नहीं था कि ये थोड़ा विपश्यना क्या होता है, उसके पहले मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी। हाँ बस मैं चीजें जानता था कि एक हिंदुज्म में ऐसा होता है वैसा होता है व्हाटएवर। तो मुझे ऐसा एक एक पल में आके मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, तो मेरा मैं थोड़ा एक कन्वेंशन में गया था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ आपको पता होगा दिल्ली के पास है, तो वो मैं कन्वेंशन वॉलेंटियरिंग करता था, मैं बहुत जगह में वॉलेंटियर किया हूँ नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल में। तो उसके बाद आने से बाद मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने राजस्थान पुष्कर में उन्होंने सब किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, जाने का बोलने का सब बंदोबस्त किया था। मुझे पता नहीं था कि मैं जब गया वहां पे तो 10 दिन का मौन होता है, मुझे बोला, उसने कुछ बोला नहीं था कि वो मौन होता है, ये होता है, आपको पैसे निकाल के देना पड़ता है, मोबाइल देना पड़ता, सबसे बड़ी बड़ी चीज होती है कि मोबाइल देना पड़ता है, और मैं मोबाइल के बिना नहीं रह पाता, मतलब ये ऐसी कंडीशन थी उस जमाने की। और मैं थोड़ा एक 20-22 एज का मैं लड़का था, और वो मोबाइल के बिना रहना बहुत मुश्किल वाली बात थी उस जमाने में। तो देखो गलती कैसे होती है, लोग गलती कैसे करते हैं, सुधारते कैसे जिंदगी में। तो विपश्यना की मैंने, मेरे पास 2 फोन थे, एक स्मार्टफोन था और एक छोटा वाला था, तो मैंने स्मार्टफोन तो जमा किया, मैं छोटा वाला मेरे पास रख लिया, और मैं चला गया अंदर। तो 10 दिन बोलना नहीं होता, और मेरे जैसे वाला आदमी जो चुप कैसे रहेगा, चुप नहीं रहेगा, हम बात करते थे बात करते थे बात, मतलब हाँ विपश्यना तो हम प्रैक्टिस सही करते थे, लेकिन बात करने से ये चीज थी कि मैं फोन पे भी थोड़ा सा मैसेज वगैरह, इस पे दोस्त पे मैसेज करना, इधर आया हूँ, एक दो बार फोन पे बात हुई है, लेकिन एक सिक्योरिटी मेरे पास कुछ होना चाहिए। इसीलिए देखो लोग कहाँ कहाँ खुद को जपते हैं, खुद को कंजर्व रखते हैं, तो मुझे इसका मुझे फायदा तो हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे, मेरे को वो जो कैंप था करीबन, उसमें
80% फॉरेनर लोग थे, तो बहुत लोगों को आनंद हुआ, सब हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में कुछ मिला, मेरे को कुछ मिला नहीं है, तो मुझे क्यों लगा मेरी प्रैक्टिस कहीं गलत हुई है, मैंने कुछ गलत किया है। मुझे रियलाइज तभी नहीं हुआ, ये 4-5 महीने के बाद हुआ कि यार मैंने वो मोबाइल रखा थोड़ा गलत किया मैंने, क्योंकि मैं फोकस नहीं रह पाया उसके ऊपर। तो मेरा मन खाता रहा कि यार मैंने गलत कुछ तो किया, कुछ किया। मतलब मैं वो गलती आज मैं मान नहीं पाता, उस जमाने में वो मान नहीं पाता उस टाइम। तो सेकेंड टाइम मैंने जब किया 2015 की बात है, मैं हर साल करता बीच में नहीं किया था, तो उसमें पूरा का पूरा हार्ड एंड रूल मैंने फॉलो किया। देखो चेंजेस इमीडिएटली मिलते हैं उसके, विपश्यना एक ऐसी चीज है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो इनसाइड इम्पैक्ट है, आउटसाइड नहीं। आपका जो इनसाइड का इम्पैक्ट है वो बाहर दिखेगा, वो उससे अंदर से बल लगेगा तो बाहर दिखेगा, अंदर जो तुम्हारे आएगा वो बाहर आएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा मेरा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा, तो मैं थोड़ा खुश नहीं था उन सारी बातों से कि मुझे थोड़ा लगा कि यार विपश्यना करने से क्या हो पाएगा। मतलब मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। कब, एक साल के बाद की बात है, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, कि यार मुझे थोड़ा और कुछ चाहिए, इससे थोड़ा बढ़कर कुछ, तो मेरा और कुछ चाहिए मेरे को। तो उससे दौरान मेरे को ओशो मिला। आपको ओशो पता है? ओशो, हाँ, मैं ओशो से मिला। देखो ओशो को समझने के लिए मेरे को 2.5-3 साल लगे। उसका फिलोसॉफी इतना घुमाता है आपको, इतने यहां से वहां से यहां। और जब से मैंने ओशो को हजम किया, मेरे को जब ओशो डाइजेस्ट हुआ, तब से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं मेरे को। और मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदगी का आखिरी पॉइंट है, इसके आगे लाइफ नहीं है। और जो भी कुछ मैंने गेन किया है, जो भी मैंने कुछ इकट्ठा किया, उसके साथ मुझे कुछ चलना है। ये मैंने चालू किया 2016 में, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2016 में। मेरे को ओशो का मैंने पहले किताब पढ़ा था, जो संभव से समाधि की ओर जो सब लोग पढ़ते हैं, मैंने वो पढ़ा था। तो उससे मुझे काफी समझ गया। देखो मैं बहुत दिल से उसको खोज रहा था कि मेरे को ये चाहिए, मैं कुछ तो मैं अंदर की खोज कर रहा था कि मेरे को क्या। तो ओशो को किताबें पढ़ी मैंने, मतलब ओशो पढ़ने से उसको सुनना बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, वो जो बात कहता है। तो मैंने 1.5-2 साल में इसके ऊपर लगाया, और जिसमें जो मेरे को प्रोस्पेक्टिव मिला वो एकदम ब्रिलियंट, जो भी मेरे को मिला और उसका वैल्यू नहीं है उस नॉलेज का, और जिससे मेरा जो प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ। देखो और बात है कि सेकेंड टाइम मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा प्योरिटी आना चाहिए। देखो आपको थोड़ा अनबैलेंस लगता है, थोड़ा सा आपको गुस्सा आता है, इसका मतलब थोड़ा आपका अनबैलेंसिंग हुआ है, आप थोड़ा चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अनकंट्रोलिंग है, तो तभी आपको विपश्यना करनी चाहिए। ये थोड़ा मेरा अंदर का सिस्टम मेरे को मैसेज देता है, ये आपको विपश्यना करनी चाहिए। तो मैं साल में एक बार तो करता ही हूँ। लास्ट ईयर मैंने इगतपुरी में किया, वो थोड़ा 3 दिन का कोर्स था, साउथ अफ्रीका जाने से पहले, क्योंकि साउथ अफ्रीका जाना है, स्टेबल रहना पड़ेगा, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, इसीलिए मैंने किया। लेकिन आप रिजल्ट की बात करोगे तो वो ऐसा रिजल्ट है कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जो कुछ मिला है, मतलब आपने खीर खाई है, वो आपको ही पता है उसका टेस्ट, किसी और को नहीं पता चलेगा। कि आप कैसे बताओगे खीर मीठी थी, कैसी थी, क्या थी, गुड़ थी, व्हाटएवर। जो एक्सपेरिमेंट है ये खुद का एक्सपेरिमेंट है, और उसको अब आजमाना चाहिए मुझे लगता है। एक बार तो जिंदगी में हर एक ने अपना, वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं आखिर ओशो की बात करूंगा, तो ओशो हर एक को हजम नहीं होता। ओशो समझना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, कठोर मन होना चाहिए। आपको पता नहीं, आपको पता है नहीं है, उनका पुणे में आश्रम है ओशो का, तो उसका उनका भी मैंने कैंप किया है, उससे मैं बहुत सीखा है। तो ओशो ने मुझे एक किया कि मेरे को लिबरल किया, मेरे को चीजों को जेरोक्स कॉपी बनाने से मेरे को रोका, और मेरे जो अंदर की जो यूनिकनेस है, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, उसको थोड़ा ऊपर लाया। इससे इसका जो रोल है मेरे को, मेरा मेरे लाइफ का ओशो को जाता है।
बहुत सारे रोल आते हैं, हर हर लाइफ में हर एक मिलता है, लेकिन बहुत सारे गुरु है, हर हर टाइम पे हर मिनट में आपको एक मेंटोर मिलता है। आप उसके ऊपर कैसे देखते हो, आपका एंगल क्या है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आप चीजों को कैसे संभालते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझदारी कितनी है, मुझे रात को जब मेरे को वीडियो कॉल हुआ था तो मेरे को पूछा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह में आपको स्ट्रेटेजी किसके आपको अच्छी लगी, मतलब कौन अच्छा लगा, कौन सही था, कौन गलत था? यदि आप बोल रहे कि महात्मा गांधी सही था तो भगत सिंह गलत था क्या? मतलब मुझे, मैंने उनको एक बताया कि गलत तो कोई नहीं था, सबका इंटेंशन एक ही था, डेस्टिनेशन एक ही था सबका, कि स्वतंत्रता चाहिए थी, सबके लिए आजादी चाहिए थी। लेकिन देखो, आप जो रूट चेंज तय करते हो इसमें प्रॉब्लम आई ना तो आपका रास्ता भटक जाता है। तो मेरे कहने का मतलब एक था कि गांधी जी ने इतना गेन कैसे कर पाए, गांधी जी इतना समझ कैसे पाए। गांधी जी एक एक्सपेरिमेंटल आदमी था, एक इंसान था कि जिन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की खुद से स्टार्ट की। तो मैं उनको वही बताना चाहता था कि देखो, चीजें गलत और सही भी होती, आप उसके ऊपर देखते कैसे हो। आप चीज सही देखते हो तो आपको चीज सही दिखेगी, आप गलत देखोगे तो आपको गलत दिखेगी। चीज सही होती है, आपका देखने का तरीका कैसा है, आप किस एंगल से देख रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा। तो गलत और सही नहीं होता, आपकी देखने की नजर बहुत इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा। चलें, ज़बरदस्त। तो आपको तो बहुत ही ज्ञानी आदमी है, आपको ज्ञान देते रहना चाहिए वीडियो पे। ज्ञान की बात नहीं है, देखो जिंदगी में सीखता जाना चाहिए। आपसे कुछ मैं सीखा हूँ, हर एक से थोड़ा थोड़ा, जिसका अच्छा लगता है उसका थोड़ा अंदर डालो, वो सीढ़े नहीं जा रहा है, थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो, खुद को एक्सप्लोर करो। और चीजें समझ नहीं आ रही है तो उसको एक्सप्लोर करो, जो कुछ एक्सपर्ट है उसके साथ डिस्कस करो कि मुझे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तुम्हारी सोच समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको आगे लेके जाती है। और रही बात रिलीजन वाली, देखो समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो समझदारी आपको मेरे इस उम्र में, मेरे 25-26 साल के उम्र में मुझे कोई ज्ञान मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि आज हिंदुज्म रिलीजन है या मैं, इससे कोई मैटर नहीं करता कि मैं एज ए हिंदू, एज ए मैटर नहीं करता। मैं कई जा मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं एज ए ह्यूमन बिहेव करता हूँ, कई जाता हूँ, मैं कई दोस्तों के साथ जाता हूँ। लेकिन आप लोगों से कैसे बिहेव करते हो ये भी बहुत बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। तो ये चीज समझना है उसको बहुत टाइम लगेगा, जिंदगी के चीजें समझना है तो आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। हर चीज का वैल्यू पैसे में नहीं होता। तो समझदारी होनी चाहिए, चीजें समझनी चाहिए, समझ कर अंदर उतरनी चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता अच्छा, पुणे के बारे में बताइए। आपने बताया कि है। ओशो का भी आश्रम वहीं है, विपश्यना का भी आश्रम उधर ही है, ये सारे पीर जो हैं वो वहाँ जाके क्यों बैठ जाते हैं, ऐसी क्या बात है पुणे में? हेलो संगम भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो संगम भाई, आवाज आ रही है? लगता है संगम भाई की कॉल डिसकनेक्ट हो गई है। चलें फिर दोबारा ट्राई करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।